हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू किचन ब्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ प्याज और मलाई की बहुत टेस्टी सब्जी। प्याज की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन एक बार प्याज मलाई की ये सब्जी ट्राई करेंगे ना, तो रेस्टोरेंट की महंगी महंगी पनीर की सब्जी का स्वाद आप भूल जाएंगे। इतनी अच्छी ये प्याज और मलाई की सब्जी लगती है, जिसको आप नान के साथ, रोटी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। जब कभी भी अच्छा कुछ खाने का मन हो ना, तो ये प्याज की सब्जी बनाइए और आप इसको एक बार खाएंगे ना, तो आपको वही टेस्ट आएगा जो ढाबा में या फिर रेस्टोरेंट में हम खाते हैं ना, महंगी महंगी सब्जी, बिल्कुल वैसे ही। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, 8 से 10 मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली हुई है ये मीडियम साइज़ की प्याज। यदि थोड़ी छोटी प्याज मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी, मुझे थोड़ी सी मीडियम साइज़ की मिली थी। और यदि ये जो छोटी छोटी सी प्याज होती है ना, उसको आप छील के और उसमें 4 कट लगा दीजिए, बीच में से कट लगाना है, जिससे जो ग्रेवी हम बनाएंगे ना वो इसके अंदर आसानी से चली जाएगी। और यदि बड़ी प्याज है तो आप उसके 2 पीस कर लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे पास मीडियम साइज़ की थी, तो इसलिए मैंने उसको थोड़े से 2 पीस भी कर लिए थे, और जो छोटी छोटी सी प्याज थी ना, उसको मैंने बीच में से कट भी लगा दिया था। ये जो मलाई प्याज की सब्ज़ी बनती है, खाने में बहुत बढ़िया लगती है और बिल्कुल झटपट से घर के सामानों से ही बन के तैयार हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें बाज़ार से इसके लिए लाना पड़े। जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे ना, तो इसे ज़रूर बनाइए, वही फीलिंग आएगी जैसे रेस्टोरेंट में हम खाते हैं ना सब्जी वगैरह, बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए, सारी प्याज तो मैंने काट ली है और बीच में से कट भी लगा दिया है, और जो मेरी बड़ी बड़ी सी साइज की प्याज थी ना, उसको मैंने 2 पीस कर लिया है। तो सारी प्याज कट गई है। दूसरी साइड मैंने गैस पर तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है, तो मीडियम से लो फ्लेम पर इसको हम थोड़ा सा तल लेंगे, मतलब थोड़ा सा ही, 2 से 3 मिनट। खाने में बहुत अच्छी लगती है तली हुई प्याज, और ऐसी इस तरीके से हम प्याज को यदि तल लेते हैं ना, तो सब्जी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल लिया, ज़्यादा नहीं लेना हमें, और बस इसको हम डाल देंगे सारी प्याज को इसमें, और 2 से 3 मिनट तक, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेक लेंगे, तल लेंगे, और फिर इसको हम निकाल लेंगे। कई बार क्या होता है कि मन नहीं करता ना हमारा वही वही रोज़ रोज़ सब्जी खाने का, तो इस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे खाएंगे ना, तो मतलब वही इतनी अच्छे से ये सब्जी बनती है ना, इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगता है कि आप एक बार खाएंगे ना, या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए, लंच बॉक्स हो या टिफ़िन हो, बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह, उसमें भी आप ये सब्जी रखेंगे ना, तो बच्चे बहुत शौक से मांग मांग के खाएंगे, बहुत बढ़िया तो ये लगती है। तो ये देखिए, मैंने सारी प्याज को निकाल दिया है प्लेट में, और इसका कितना बढ़िया सा कलर ये आ गया है। अगर डायरेक्ट ग्रेवी में प्याज को डालते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है प्याज को पकने में। सारी प्याज मैंने कढ़ाई में से निकाल ली है। चलिए, तो अब एक तैयारी तो हमारी हो गई है, दूसरी तैयारी भी हम कर लेते हैं ग्रेवी की। तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 8 से 10 काजू, 8 से 10 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ली हुई है। और यदि आपके पास काजू नहीं है, या काजू आप यूज करना नहीं चाहते हैं, तो मगज के बीज होते हैं, उसको भी आप डाल सकते हैं 1 चम्मच, तो फ्लेवर वही आएगा, टेस्ट वही आएगा। ये क्या होता है ना कि जब भी हम काजू डालते हैं ना, तो वही रिच फ्लेवर आता है ग्रेवी में, बहुत बढ़िया लगती है। जो बाज़ार में हम ग्रेवी या सब्जी वगैरह खाते हैं ना, तो वो लोग काजू या मगज के बीज जरूर डालते हैं, तभी सब्जी इतनी बढ़िया और स्मूथ सी वो लगती है। चलिए, तो ग्रेवी भी पिस गई है। अब इसके बाद मैंने एक कटोरी ली है, तो इसमें कुछ खड़े मसाले मिला देंगे हम, जैसे धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, और साथ में मिलाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट, ये ज़रूर मिलाइए। डेसिकेटेड कोकोनट मिलाने से ना, वो जो सब्जी खाते हैं ना, इतना बढ़िया फ्लेवर आता है कि आप खाएंगे तो स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आप किसी भी सब्जी को बनाते हैं ना, तो 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ज़रूर मिला दीजिए, बहुत बढ़िया और टेस्ट बढ़ जाता है सब्जी का। थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने साइड से रख दिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसी कढ़ाई में जिसमें प्याज को भुना हुआ था, हमने तला हुआ था। जीरा है, सौंफ है, कलौंजी, कलौंजी जरूर डालना है इस सब्जी में, उसका जो टेस्ट ना बहुत बढ़िया लगता है। खड़ी लाल मिर्च है, तीखी नहीं है, बस ऐसे ही डाल दी मैंने। भून लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। इसके बाद जो धनिया पाउडर और ये हल्दी वगैरह का पेस्ट हमने बना के तैयार किया हुआ है ना, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, तो उसके बाद टमाटर प्याज का जो पेस्ट बनाया है ना, उसको भी हम डाल देंगे,
और उसे भी अच्छे से भून लेंगे कलर चेंज होने तक। किसी भी सब्जी को हम बनाते हैं ना तो उसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत अच्छे से पकना चाहिए। कोई भी सब्जी हो, चाहे प्याज की सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, या कोई भी ग्रीन वेजीज हो, किसी भी सब्जी को जब हम बनाते हैं ना तो उसकी जो ग्रेवी होती है ना सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम उसी का होता है। यदि ग्रेवी ठीक से नहीं बनती सब्जी खाने में वो मज़ा नहीं आता, उसको अच्छे से पकना ज़रूरी है। तो जिस जार में मैंने ग्रेवी को पीसा था ना उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और इसमें डाल देंगे लगभग आधा कटोरी, क्योंकि मुझे लग रहा था ग्रेवी अभी मेरी गाढ़ी है। स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ढक के पकाएंगे इसे। ये जो मलाई प्याज की सब्जी है ना ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, 7-8 मिनट में ही बन जाती है। और प्याज को तो हमने पहले से ही तल लिया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये जो सब्जी है ना आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, पार्टी वगैरह है, ये ज़रूर बनाइए। इतनी रिच फ्लेवर आता है इसका, सभी पूछेंगे कि ये सब्जी आपने कैसे बनाई, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन के तैयार होती है। तो इसमें फिर मैंने जो प्याज तली हुई थी ना वो भी मिला दी और इसे अच्छे से चला देंगे और ढक के पकाएंगे। खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है इसमें से, जबकि मैंने कोई भी खड़े मसाले इसमें यूज़ नहीं किए। इसके बाद मिला दूँगी मैं कसूरी मेथी, इसको डालने से भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद डालेंगे हम फ्रेश दूध की मलाई। जो मलाई डालेंगे ना वो फ्रेश होना चाहिए, पुरानी नहीं होना चाहिए। तो मलाई प्याज बना रहे हैं तो मलाई डालना तो बनता है। एकदम से क्या होता है ना कि जो ऊपर की गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई होती है ना वो हमें कभी भी ग्रेवी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होती अच्छे से और सेपरेट हो जाती है, फट जाती है, मज़ा नहीं आता है सब्जी खाने में। तो उसमें थोड़ा सा दूध आप ज़रूर ऐड करके उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए आप ग्रेवी में। एक टिप्स और आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, कि कई बार क्या होता है कि हम दही या मलाई वगैरह सब्जी में डालते हैं तो वो फट जाती है, सेपरेट हो जाती है, सारी सब्जी हमारी ख़राब हो जाती है। तो एक टिप्स है कि जब भी आप दही या मलाई डालते हैं सब्जी में तो या तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए या फिर उसे बंद कर दीजिए, उसके बाद ये चीज़ें ऐड कीजिए ना, तो ये सब्जी कभी सेपरेट नहीं होगी। मलाई और दही डालने के बाद कभी भी सब्जी फटेगी नहीं। ये देखिए जैसे मैंने किया था, मैंने पहले गैस को बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें मलाई ऐड की है और सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं फटी, और कितनी बढ़िया रिच ग्रेवी बन गई है और सब्ज़ी भी कितनी बढ़िया बन गई। तो सब्जी तो बन के तैयार हो गई है, इसके बाद तैयारी कर लेते हैं पराठे की। तो ये वही आटा है जो डेली में हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें मैंने किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का उपयोग नहीं किया, ना ही मैदा है, ना मौन है, ना दही है, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं मिलाया। उसके बाद भी आप देखना कितने बढ़िया मुलायम मुलायम पराठे बन के तैयार होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली में हम मैदा का उपयोग करें और मैदे को ही खाएँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी पराठे बनाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। थोड़ा सा तेल लगा दिया मैंने और इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च, कलौंजी और धनिया पत्ती डाल देंगे, फैला देंगे अच्छे से। और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर दिया, स्क्वायर में इसको बना दिया। आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं या इसका लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी और कलौंजी डाल दी, अच्छा लुक आ जाता है देखने में। और इसको बेल लेंगे और ये जो पराठे बनते ना इतने बढ़िया फूले फूले बनते हैं कि आप देखेंगे ना तो बस। ये देखिए इस पे मैंने ये डाल दिया मीडियम से लो फ्लेम पे ही सेकना, एकदम तेज़ आँच नहीं करना हमें, थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये देखिए क्या मस्त पराठा फूला है, बिल्कुल फुग्गे जैसा। थोड़ा सा मैंने तेल ऊपर भी लगा दिया है, उलट पलट करके अच्छा कलर आने तक इसको हम सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा पराठा बन गया आटे का। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़ रोज़ मैदा का ही हम उपयोग करें और मैदे को ही खाएं, आटे से भी कितनी बढ़िया चीज़ें बनके तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से ना जब भी हमारा कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन हो ना घर में तो इस तरीके से आप सब्जी बनाइए, पराठे बनाइए, वही फीलिंग आएगी जैसे ढाबा में या रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाली। बस चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या बढ़िया मज़ेदार सी मलाई प्याज की सब्जी, आ गया ना मुँह में पानी, और कितनी बढ़िया बनी है ये। इसके बाद आटे के पराठे। फ्रेंड यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं और किस तरह की नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये देखिए आज की सिंपल सोबर सी लेकिन टेस्टी थाली रेडी है, लग रही है ना यमी मज़ेदार सी। जब भी आपको कुछ अच्छा सा खाने का मन हो ना तो इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ना आप।
या फिर घर में कोई मेहमान आए, गेस्ट आए, बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड के लंच बॉक्स में सब्जी को ट्राई करेंगे ना, तो सभी लोग तारीफ़ करेंगे। ये देखिए पराठे जो बनाए थे कितने सॉफ्ट है, खोल के बता रही हूँ, बिल्कुल लिफाफे जैसा पूरा हो ये पराठा खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया ना, और बिल्कुल मुलायम बना है ये आटे का पराठा, तो है ना कमाल की रेसिपी। अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।